बड़ी खबर बांदा से। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के थाना क्षेत्र अंतर्गत समगरा गांव में 5 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही 2.70 लाख रुपए जुर्माना भी किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि पॉक्सो की अदालत में न्यायाधीश अनु सक्सेना ने गुरुवार को यह आदेश सुनाया। आरोपित समगरा गांव निवासी राम बहादुर पुत्र गंगवा प्रजापति को सुनवाई के बाद सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया। 18 अप्रैल 2021 की घटना थी। बालिका के पिता ने 19 अप्रैल 2021 को घटना के दूसरे दिन मरका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचक के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। करीब 1.5 वर्ष में ही पीड़ित पिता को न्याय मिल गया। आज कोर्ट में फांसी की सजा हुई है दोस्तों को। ये मामला 18 अप्रैल 2021 का था। तो एक मरका गांव के अंतर्गत एक गांव के 5 साल की पीड़िता थी, उसको उसके चचेरे बाबा अभियुक्त का नाम था राम बहादुर प्रजापति, उसने बिस्किट खिलाने के बहाने अपने घर ले गया, उसके साथ रेप किया, रेप के बाद उसको पंछे से गला घोट करके हत्या की और उसको लाश को छुपा दिया। जब उनके सगे बाबा विजय पाल खार से आए तो उनको ढूंढवाया, पता चला कि बच्ची तो वहाँ गई थी। तो जब खोजा गया तो बच्ची वहाँ घर पे मिल गई। उसके बाद उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और उसमें ट्रायल चला। डेडबॉडी मिली, डेडबॉडी घर पे मिली थी और 28 दिन में फैसला आया। फांसी की सजा माननीय स्पेशल जज पासपोर्ट अनु सक्सेना द्वारा यहाँ पर सुनाई गई है। इतना लेट क्यों हुआ? 2021 का मामला था, अब तक यहाँ पर दरअसल फैसल रिपोर्ट जो विश्व विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट थी उसको आने में लेट हुआ। जब तक विद्य कम से कम जब जिसको इतनी बड़ी सजा हो तो ये तो देखना चाहिए ना हमको कि सजा वो मिल रही। अब उसमें सारी चीज़ें मिल गई, सारे जो जो एलिमेंट थे जो उनके स्पॉट थे वो मिले। तो जब सबका मिलान हो गया और ये धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था? नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ था 376 AB, 377 और 302, 201 IPC वह 5/65 में और इन्हीं धाराओं में उसको कन्विक्ट किया गया है। खिताब भी दिया था कि बच्ची के शव वगैरह को नहीं, शव को घटना के बाद शव को उसको अपने घर पे छिपा दिया था कि रात हो जाएगी तो उसको मतलब गायब कर देंगे, लेकिन तब तक पता चल गया, ढूंढते रहे, खोजने के बाद शव मिल गया। अभियुक्त के घर में ही मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को सजा दिलाने में। जी, सजा दिलाने की कितनी मेहनत करनी पड़ी? अरे उसके लिए कह दिया, साथ मैंने रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की पेश की थी उसमें, और उसमें यह था कि धनंजय चटर्जी वाला जिसमें फांसी की सजा हुई थी अकाली जी कबरी में, तो वो भी हमने पेश किया। एक बच्चन सिंह पंजाब राज भी पेश किया हमने, दस्तर परांडे महाराष्ट्र से, तो कई हमने रूलिंग दी और काफ़ी मेहनत की और हमारे सभी साथियों ने। अब मैं ये तो कहूँगा कि प्रशासन का भी हमारे कप्तान साहब ने बहुत सहयोग किया, जो साक्षी नहीं आ रहे थे और डे बाई डे चलाया, उसको मुकदमा कराया। और रामसूर बाबू जी थे, इन्होंने काफ़ी ताक ताक करके ऐसे इसको कि कम से कम इस मुकदमे को कोर्ट खाली कराना था, ये ना हो, पूरा कंप्लायंस होना था, तो कंप्लायंस करके काफ़ी ठीक है। ऐसे दुर्दांत अपराधी को इससे कम सजा देना, इससे कम सजा की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा दुर्दांत अपराधी और बड़ा कोल्ड माइंड, जिसको कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, और इससे कम सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। 5 साल की लड़की